Thank you so much. And now the grand finale of today, we are blessed to have a ele chai wala kya hai wala chai wala nikal to rakhe jada mukut pe dhaka padke हो गया और आज है सप्तमी। ब्लॉग अभी से स्टार्ट हुआ है, बोलो जय माता जी मांबे की जय, बोल शेरा वाली सच्चे दरबार की जय। तो चलिए दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी का। तो आज है सप्तमी और आज हम लोग यहाँ होता है जगरना, तो वो भी कसाब में करना है। और जगरना में क्या क्या करते हैं, किस किस क्या होता है, पहले ये तो बताइए कहाँ से। कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा किधर किधर होता है। अब जब से हम लोग पूछ रहे हैं ना लोगों कमेंट करने, तो लोगों को कमेंट आ रहा है थोड़ा, समझे, तो बोलिए कमेंट करने आप। हाँ, तो बहुत लोग इंस्टाग्राम पे करते भैया, तो उस पे करो ना, यूट्यूब पे करो, थोड़ा सा यूट्यूब को भी लगेगा कि हाँ लोग कमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ाएगा फिर। हाँ, यूट्यूब पे भी जरा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसको भी थोड़ा प्रमोट कीजिए भाई, जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया है हमें फेसबुक और इंस्टा पे, उसी तरह यूट्यूब पे भी कीजिए थोड़ा। फेसबुक पे तो इतने सारे कमेंट आते हैं, तो उसके लिए ना हमको अलग से एक वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि उतने सारे कमेंट का ना हम जवाब नहीं दे सकते हैं, तो हम अलग से वीडियो बना के सबको थैंक यू बोल देते हैं। तो वहां पे ना हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जवाब आता है कि क्या है, इसलिए यूट्यूब पे भी भाई जो भी देख रहे हैं, अगर आपको पता है या हम कुछ पूछ रहे तो जवाब दिया कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो आज कौन से माता का है जन्म? काल रात्रि है, माता रानी का आज पूजा सप्तमी है। तो हमारे इधर बोली जगरना होता है, उसका तैयारी करना है, और शाम में हम लोग को एक जगह जाना भी है, समझे, कहाँ जाएंगे वो तो प्रसाद सबका वितरण करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम वही है। पूजा खत्म होता नहीं कि तैयार होता है, प्रसाद उतरेगा और सबसे पहले नीचे ले जाएगा प्रसाद वितरण करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आज मैंने फिर से साड़ी पहना है, आज 3 दिन आप हमको लगातार साड़ी में देखिएगा, सप्तमी रोज तो आप साड़ी पहनते हैं, नौमी मतलब ब्लॉग उतना नहीं बन पा, हाँ लेकिन डेली हम साड़ी ही पहने, 9 दिन साड़ी ही पहनते हैं, लेकिन 3 दिन डिफरेंट इतना मस्त साड़ी लगेगा एकदम। तो चलिए ब्लॉग अभी से स्टार्ट हुआ है, ब्लॉग हमारा किसी भी रीजन पे अच्छा लगे तो भैया लाइक सब्सक्राइब फॉलो सब कुछ कर लिया कीजिए। चलिए बोलिए जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं और शाम का तैयारी करते हैं, क्योंकि शाम में हमें 7:30 बजे तक निकल जाना ना जी, 7 कितना बजे तक, 7:30 बजे तक, उससे पहले आरती करके जाएंगे, पहले सोचे थे बाद में आएंगे लेकिन लेट हो जाएगा, तो आरती वगैरह करके जाएंगे। तो चलिए जय माता दी। तो चलिए यहाँ पे हमारा पूजा हो गया है, पूजा पाठ हो गया, अब हो रहा है हमारा जगरना। यहाँ पे ये चौरठ है चावल का पीसा हुआ, और वो नया सिंदूर है, तो माता रानी को जगाएंगे, सिंदूर करेंगे, तब खुद सिंदूर हम करेंगे, सुबह में भी नहीं किए थे, उसके बाद फिर पूरा घर जगाएंगे। तो चलिए माता रानी को जगाते हैं, उसके बाद चूल्हा पूजन होगा, तो वो बाद में आने के बाद मंदिर से आएंगे, उसके बाद फिर चूल्हा पूजन होगा, जो खाना बना है उसका पूजन करके फिर खाना ग्रहण करेंगे। तो चलिए आप हो चुके हैं पूरा एकदम, आप भी है ना, मैं देख सकते हैं दोनों का लाल लाल लोग, ये दोनों को ना मैं दिखा दे, मैंने दो दो दिखा दे इसमें, आप भी आप असो, ये भी लाल आई। चलिए हम लोग मंदिर आ गए हैं, ये देखिए साउंड आ रहा है ना, फाइनली आ गए, मस्त आ रहा आवाज, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी, जोर से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। साथ में ये माता का प्रसाद का है तेरा, ये जय माता दी, चलिए बढ़िया। हमें रोज रोज बात करने का अवसर मिलता है, लेकिन माता का भजन सुनने का अवसर कम ही मिलता है यहाँ, तो अपनी बातों को छोड़ करके माता के भजन में ध्यान लगाएं।
एक साथ जो है माता के नाम जो बाहर बातें कर रहा है, कृपया अंदर आए और माता के भजन में सहयोग दे। जय माता दी। रानी मां हरी कर कर माता विष्णु रूप बनायो, रूप बनायो शिव जी रूप बनायो, सवारी कर कर माता शिव जी रूप बनायो, शिव जी रूप बनायो नव दुर्गे शिव जी रूप बनायो, शिव जी रूप बनायो नव दुर्गे शिव जी रूप बनायो, जटा मुकुट में गंगा भर के अमेजिंग परफॉर्मेंस, एकदम दिल को छूने वाले लव्स और दिल को छूने वाली परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। एंड नाउ द ग्रैंड फिनाले ऑफ टुडे, वी आर ब्लेस्ड टू हैव। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं, ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है, ये देख रहे हैं ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है, तो जैकेट क्या छोड़े, ये लड़की छोड़ दी है मेरा जैकेट, समझे, रमन भाई के पास जैकेट एक्स्ट्रा लाइए। चलिए हम लोग चलते हैं घर। चलो भैया हटो, रास्ता दो, हम लोग आ गए हैं। ये देखिए प्रसाद भी लेके आए हैं, क्योंकि प्रसाद ग्रहण कर लिए, खाना नहीं खाए थे ना हम, तो प्रसाद कैसे खाते, वहां पे चार पकौड़ी समोसा सब मिल रहा था, लेकिन अरे मेरा जैकेट कार में ही रह गया ना। ले गए और साड़ी ना वो खराब हो जाता है ना भाई, साड़ी थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखते। कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा, हाँ माहौल पूरा लग रहा है, इंडिया का ना फीलिंग आ गया, लग रहा था जैसे कि जर्मनी लग रहा था, मेला देखने गए, मस्त अच्छा लग रहा था। माता का जागरण था आज, कल है, कल भी, कल कुछ और है ना, कल जागरण नहीं है ना, कल भी अच्छा है, और उसके परसों है फिर कुछ स्पेशल, तो देखते हैं परसों का, कल तो बाबा बिजी डे है। तो चलिए अब चेंज करते हैं, पहले चूल्हा पूजन करते हैं, चावल चढ़ा देते हैं।
चावल चढ़ा देते हैं, सब कुछ बना के गए देख रहे, बस चावल चढ़ाने, उसके बाद चूल्हा पूजन हम करेंगे। यहाँ पे हमारा ये देख सकते हैं थाली तैयार है, दाल है, राइस है, आलू भुनिया, गोभी भुनिया, तरुआ, दही। यहाँ पे अभी हमारा हो रहा है चूल्हा पूजन, पूर्णा माता को भी ना जगाना पड़ेगा। जागते रहिए, क्या जागते रहिए, जाग जाइए, जागते रहिए, जाग जाइए, कृपा दृष्टि बनाए रखे। लल्ला सोया नहीं है, उसको खिला देंगे थोड़ा पैसा, चखा देंगे। हर सप्तमी को ये जो है होता है ना, देख रहे हैं टाइम, देख रहे हैं कितना बजे है, साढ़े ग्यारह हो रहा है, नहीं पौने ग्यारह, पौने ग्यारह हो रहा है। आए इतना अच्छा लगा ना, तब से मजा आ गया, लेकिन हाँ जानू बताइए कैसा लगा आपको? क्या खाना भी नहीं खाया, घूम फिर के बहुत मजा आया। लगा कि बचपन में ना, मतलब जो घूमने जाते थे ना, मेला वाला मस्त ऐसा मजा आया, फिर अच्छा आया। जवानी में नहीं जाते थे क्या? मतलब जवानी में भी जाते थे, अच्छा आया। ऋषित को बहुत मजा आया, वो तो बस प्रणाम किया, जय माता दी बोला और चलो खाने, लाइन में लग के खाना। लेकिन उस समय जब हम लोग गए ना, पूरा खाली था, मतलब ज्यादा हम लोग को भीड़ में नहीं लगना पड़ा, तो देर से रहना चाहिए। हाँ, मेरी फ्रेंड गई थी, उसको बोली आधे घंटे से ऊपर लाइन में लगना पड़ा उसको, लेकिन खाना खा लिया मेरा बच्चा। अब उसको प्रसाद थोड़ा सा देंगे, समझे, तो पूरा दिन मेरा कट गया अच्छे से। सप्तमी, अब कल अष्टमी, फिर नवमी, फिर दुर्गा जी, फिर अगले साल आएंगे, अगले बरस फिर आएंगे, सुख समृद्धि दे के जाएंगे। बोलो जय माता दी, जय माता। आप लोग बताइएगा, आप लोग को कैसा लगा ये जो हम लोग गए थे दुर्गा जी देखने के लिए, पूरा पंडाल वगैरह सब कुछ बहुत मस्त लगा हमको। आप बताइएगा, जर्मनी में ऐसा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था, मतलब हम अनुभव बयान नहीं कर सकते कि इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था। झाजी अपना बताएंगे, झाजी को कैसा? बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत लोग थे, थोड़ा सा लेट हो गया, माता की चौकी तो बहुत बढ़िया। हाँ, माता का चौकी में हमको मेन था अटेंड करना, उससे पहले ना कल्चरल प्रोग्राम था, बच्चे लोग का पेंटिंग था ना, तो वो अटेंड नहीं करना, हमको माता का चौकी अटेंड करना था, तो हम वो वाला शेड्यूल में गए थे, 8 से 10 वाला में, तो थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हाँ अच्छे से पहुंच गए, मजा आया। आप लोग बताइए कैसा, दर्शन कीजिए आप लोग भी माता रानी का, फिर बताइए कैसा लगा, मजा आया, जर्मनी लग रहा है आपको, इंडिया लग रहा है, बताइए। तो चलिए, जय माता दी, जय माता दी, ब्लॉग में, बाय बाय।